कनाडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद जो कनाडा में रैली होने वाली थी 25 सितंबर को, खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों के जो सपोर्टर हैं उनके द्वारा यह रैली निकाले जाने वाली थी, इसमें हिंसा की आशंका है। और न केवल हिंसा बल्कि भारतीय जो संस्थान हैं उनके सामने भी जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली बातें की जाएंगी, रैली निकाली जाएगी। इसके अलावा ये भी आशंका जताई जा रही है कि इस हिंसा की आड़ में भारतीय संस्थान जो कनाडा में है उनको नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। दरअसल गुरपतवंत सिंह पन्नू की शह पर यह पूरा का पूरा मार्च निकाला जा रहा है और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 12 से 15 ऐसे जो खालिस्तानी अलगाववादी आतंकवादी गुट हैं, समूह हैं, संगठन हैं, इनकी सूची भारतीय खुफिया सुरक्षा एजेंसियों ने तैयार की है और इसको सौंपा है कनाडा की एजेंसियों को। लेकिन हैरानी की बात है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार जब से आई है कुछ सालों से इन संगठनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न सिर्फ कनाडा को ये सूची सौंपी गई है बल्कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, USA, इंग्लैंड, यूरोप के कई देशों को भी ऐसी सूची सौंपी गई है जहां उन देशों में रहकर खालिस्तानी अलगाववादी आतंकवादी अपनी गतिविधियां चलाते हैं और भारत के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। और कुछ कुछ देशों में सहयोग भी मिला है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि जो प्रत्यर्पण हुए हैं, प्रत्यर्पण भी काफ़ी ज़्यादा अभी होना शुरू हुए हैं खालिस्तानी गैंगस्टर्स के। लेकिन कनाडा से अभी तक इस तरीके की कोई ठोस पहल देखने को नहीं मिली है कि आतंकवादियों के ऊपर वह कार्रवाई करे या फिर उनको डिपोर्ट करने में भारत की मदद करे। और ये सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों कनाडा ऐसा नहीं कर रहा है। दरअसल कनाडा की जो सरकार है उसकी जो खालिस्तान एजेंडे से समर्थित एक पार्टी है उसका समर्थन कर रही है और जस्टिन ट्रूडो को पता है कि अगर वह ज़रा भी ऐसा कुछ बोलेंगे, ज़रा भी ऐसी बात कहेंगे तो वह पार्टी उनसे समर्थन वापस ले लेगी। तो अपनी राजनीतिक मजबूरी की आड़ में खालिस्तानी हितों का समर्थन करने वाली पार्टी के सामने उन्होंने जो घुटने टेक दिए हैं उसकी आड़ में सबसे पहले वह भारतीय राजनयिक को एक्सपेल करने की बात करते हैं और उसके बाद अब जब कार्रवाई की बात आती थी, कार्रवाई की बात तो इतने साल तक वो खामोश थे और अब भी जब ऐसी घटना की जो जानकारी सामने आती है, इंटेलिजेंस इनपुट सामने आते हैं, भारतीय एजेंसियां शेयर करती हैं कनाडा की पुलिस से, बावजूद इसके वहां पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। पूरी आशंका है कि 25 सितंबर को जो यह रैली निकलेगी खालिस्तानी एजेंडे के समर्थन में, उसमें हिंसा होगी। अब ये देखना है कि क्या कार्रवाई कनाडा की पुलिस वहाँ पर करती है, अलग अलग एजेंसियाँ वहाँ पर करती है। भारतीय एजेंसियों ने आगाह कर दिया है और अपने स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय एजेंसियाँ इस पूरे मुद्दे पर सहयोग भी जुटाने की कोशिश कर रही हैं।